गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल चैनल एडवर्स स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। जैसे कि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे, प्रीवियस लेक्चर में मैं ये जो सीरीज बता रहा था वो सिंथेसिस की सीरीज थी। दोस्तों सिंथेसिस को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि सिंथेसिस में मैं कौन कौन से लेक्चर्स आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। सिंथेसिस के बेसिक सेंस क्या होता है पहले तो इसको समझते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस है, मैंने सेंटेंस बोला ही इज अ बॉय, ध्यान से समझ लेगा। और बाकी जितने भी आपके दोस्त रहेंगे सबको वीडियो शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए कि क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और आपको ज्वाइन कर लीजिए। अगर मैं बात करूं ही इज अ बॉय, सेकंड सेंस है हमारे पास द बॉय इज गुड, द बॉय इज गुड। तो इस सेंटेंस को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो सेंटेंस होगा ही इज अ गुड बॉय, क्या होगा ही इज अ गुड बॉय। तो ये जो हमारे पास सेंटेंस आया है इन दोनों सेंटेंस को ऐड करने के बाद आया हुआ है, ये जो हमारे पास सेंटेंस है इन दोनों सेंटेंस को मैंने ऐड किया और ये सेंटेंस बना दिया। अब इस सेंटेंस को जब हमने ऐड किया है तो ये हमारा जो सेंटेंस कहलाता है, इसे कहते हैं सिंथेसिस। सिंपली आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें, टू कॉम्बाइन टू एंड मोर देन टू सेंटेंसेस इनटू अ सेंटेंस, किसी भी दो या दो से ज्यादा सेंटेंस या फिर दो सेंटेंस है उन दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाना सिंपली क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। सिंथेसिस की मैं ऑलरेडी तीन वीडियोस आप लोगों के, तीन या चार में वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अब हमारे पास जो लेक्चर है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, थोड़ा सा एक और सेंस बता देता हूं सिंथेसिस में। अभी मैं जो सीरीज आप लोगों को ये जो करवा रहा हूं ये सिंपल सेंटेंस की सीरीज चल रही है, क्योंकि सिंथेसिस में सेंटेंस जो होते हैं वो थ्री टाइप्स से होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस होता है, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर आप लोगों ने हिंदी में ये सेंटेंस पढ़े होंगे तो याद होगा आप लोगों को, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और थर्ड सेंटेंस होता है कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस। तो यहां पर अभी जो आप लोगों के लिए सेंटेंस चल रहे हैं वो सिंपल सेंटेंस चल रहे हैं। सिंपली अगर मैं बात करूं ट्वेल्थ एक्सीलेंट इंटरमीडिएट की, आप ट्वेल्थ की कोई भी यूपी बोर्ड की एक्सीलेंट बुक उठाएंगे उसमें सिंपली एट पार्ट बताए गए हैं सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करने के। मींस कोई भी दो सेंटेंस दिए गए हैं उन दोनों सेंटेंस को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के एट टाइप्स बताए हुए। तो सिंपली मैं आपको पार्टिसिपल बता चुका हूं, जीरंड बता चुका हूं और इन्फिनिटिव बता चुका हूं। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं लोगों से मैं सिर्फ यही कहूंगा कि लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक कर लीजिए और प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखिए, क्योंकि जब आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखेंगे तो नई चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस में होता क्या है। ये आपकी तीन सेंटेंस है, इसी टाइप से वीडियोज चलेंगी, अप्रोक्स वन मंथ की सीरीज है टोटल, वन मंथ में हो सकता है 15 डेज में भी कंप्लीट हो जाए। अब सिंपल सेंटेंस में होता क्या, सिंपल सेंटेंस में आपको दो चीजें याद रखनी है। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है और एक ही मेन वर्ब होती है, एक सब्जेक्ट होगा, एक ही सब्जेक्ट होगा इसमें और एक ही इसमें फाइनाइट वर्ब होगी, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मीन्स इस सेंटेंस में आप दो